आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को लगा सुप्रीम झटका। दरअसल एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया जिसमें कि सत्येंद्र जैन की रेगुलर बेल को खारिज करते हुए उन्होंने तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। एंट्रीम बेल पर सत्येंद्र जैन अभी जेल से बाहर थे। दरअसल स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें ये अंतरिम जमानत 6 महीने के लिए दी गई थी उपचार के लिए, जो वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन पिछले तकरीबन 10 महीने से वो जेल से बाहर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा। दरअसल मामला था साल 2015 से 2017 के बीच का, जब सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया और इसमें हवाला के जरिए पैसे लेकर के शेल कंपनियों में पैसा डालने का आरोप लगा। सत्येंद्र जैन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन कंपनियों से जुड़े हुए थे, कुछ के डायरेक्टर थे तो कुछ में शेयर्स की मात्रा होने के बावजूद उनके पास सीधा कनेक्शन देखा गया। ऐसे में बताया ये गया कि ईडी ने मामला दर्ज किया, हवाला के जरिए इन शेल कंपनियों में पैसा आया है जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने अपने कुछ कर्ज चुकाने के लिए किया, तो कुछ से संपत्ति भी खरीदी थी। और ऐसे में जब ये पूछा गया तफ्तीश में कि ये पैसा कहां से आया, तो जांच एजेंसियों का मानना है कि उसका सही जवाब नहीं मिल पाया और आखिरकार मामला उन पर दर्ज हुआ था। मामला कोर्ट में गया, लंबी सुनवाई हुई और इस पूरे मामले में कोर्ट में भी सही जवाब सत्येंद्र जैन की ओर से नहीं दिया गया। दरअसल बताया ये गया कि कुछ कंपनियों पर शिकंजा कसा जा रहा था सरकार के आदेश के बाद, जिन पर डाउट था कि ये शेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनियां हैं, पैसों का घालमेल करने के लिए ये फर्जी कंपनियां कागजों पर बनाई गई है जबकि वो अस्तित्व नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियों की तफ्तीश आगे बढ़ी तो कुछ कंपनियों के नाम सामने आए, जिनमें प्रयास इन्फो सॉल्यूशन का नाम सामने आया, इसके अलावा अकिंचन डेवलपर्स का भी नाम सामने आया। कुछ और कंपनियां थी मंगलायतन प्रोजेक्ट्स, इंडो मेटलिम पैक्स, कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनकी जांच पड़ताल आगे चली तो पता चला कि करोड़ों का लेन देन इन कंपनियों के नाम पर हुआ। तफ्तीश में यह पता चला कि सत्येंद्र जैन इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और जब उनसे पूछा गया कि आपकी जो संपत्ति, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पैसों के लेन देन का, ये पैसा आपके पास कहां से आया, तो इसका उचित जवाब नहीं मिल पाया था और इसीलिए सत्येंद्र जैन जेल चले गए थे। लेकिन तकरीबन 1 साल जेल में रहने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत भी मिली क्योंकि कोर्ट में सत्येंद्र जैन की ओर से अर्जी दी गई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उपचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत चाहिए। हालांकि 6 हफ्ते के लिए यह अंतरिम जमानत कोर्ट की ओर से उन्हें मिली थी, लेकिन वक्त वक्त पर यह जमानत आगे बढ़ती चली गई उनकी अर्जी के अपील को सुनवाई करने के बाद। लेकिन अब जबकि एक बड़ा फैसला आया है इस पूरे मामले में, कोर्ट ने दोषी पाया और उन्होंने कहा है कि आपको तुरंत जेल जाना होगा, और ऐसे में जबकि सत्येंद्र जैन ये नहीं बता पाए थे कि आखिर उनके पास ये पैसा कहां से आया था, तफ्तीश में उन पर दोष साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी ना सिर्फ ये रेगुलर बेल की अर्जी खारिज की है बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए भी कहा है, और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है।